65 साल पुराना खेल है और आज भी उसी रूप में हो रहा है जैसे कि 365 साल पुराना हो रहा था परंपरा के अनुसार। यहाँ आपके पानी की कड़ा भर जाते हैं, दो जोड़ियां बनती है, किकानी व्यास है एक आपकी हर्ष की या एक लालानी व्यास है एक हर्ष की जोड़ी बनती है और दोनों बड़े प्रेम से आपके विशेषकर चमड़े की डोलची होनी चाहिए, चमड़े की डोलची से एक दूसरे पर आपके वार करते हैं और 3 घंटे करीब ये खेल चलता है। उसके बाद में बनमाली परिवार से श्री बालकृष्ण ध्यास है वो गुलाब उछाल कर मथुरा जी परिवार से बालकृष्ण ध्यास गुलाब उछाल कर इसकी समापन की घोषणा करते हैं और दोनों पक्ष आपस में गाली गलौज निकालते हैं। उसके बाद में समापन करते हैं। इसका पीछे ये है कि आपके कोई मतलब पहले किकानी व्यास थे जो आपके किसी प्रकार का पुष्करणा समाज में कोई बड़ा खाना होता था तो दुआ देते थे जिसे परमिशन कहते हैं, खाने की परमिशन देते थे, तो आचार्यों को परमिशन नहीं दी गई किकानी व्यासों की तरफ से, तो आचार्यों ने उनको कहा था कि हम आपके सहयोग कर देंगे, आप इसमें आप ये खाना बनाइए। उन्होंने कहा ये खाना हम आपके आपके मोहल्ले में आपके सहयोग से आपके मोहल्ले में बनाएंगे, तो हमारे यहाँ ये आचार्यों के मोहल्ले में ये खाना बना तो व्यास किकानी व्यास और आपके लालानी व्यास मिलकर ये जितने भी हमारे बने हुए खाने था मिठाइयाँ बनी हुई थी सारी आपके वोट कर ठंडा कर चले गए। उसके बाद आपस में लड़ाई हुई और उसके बाद आपके कानूनी कार्रवाई पेशी थी उसमें ये समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत ये आपके खेल हो के बीच में यह परंपरागत और ऐतिहासिक और रोमांचक पानी का खेल चल रहा है। यूं तो कहते हैं कि हर खेल नियमों में बंधा होता है लेकिन यहाँ पर खेलने की न कोई उम्र की सीमा है न कोई नियम और कानून कायदे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ प्यार और मोहब्बत में पानी की भरी डोलची होती है जो एक दूसरे प्रतिद्वंदी उनकी पीठ पर मारते हैं और ये दर्द का एहसास उन्हें कई दिनों तक रहता है। अगले वर्ष फिर जब होली आएगी तो वही पूरा चीज जो हमारे प्रतिद्वंदी है वे एक दूसरे पर पानी मारेंगे, पानी की डोलची मारेंगे और कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर की होली बरसात में बज की होली से कहीं कम तर रोमांच नहीं पैदा करती। बीकानेर के पानी के खेलों में शामिल हर्ष और ब्याज जाति का खेल काफी रोमांचक होता है। वही होली के ठीक दिन बारकवार के चौक में भी ओझा और छंगानी जाति के बीच में पानी का खेल कई वर्षों से चल रहा है और कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मौसम का मिजाज बदल रहा है लेकिन लोगों के ख्याल और लोगों के बीच की प्यार मोहब्बत नहीं बदल रही है। तो देखते हैं किस तरह का ये घमासान और किस तरह का रोमांच पानी के इस डोलची खेल में लोगों को आकर हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये बताएं कि एक दौर था जिस समय कहते थे कि डोलची वाले भी बहुत पारंगत होते थे, एक महीने पहले अभ्यास करते थे लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो? और बुजुर्ग लोग है वो पट्टियां तोड़ देते थे डोलची से, पत्थर की पट्टी हड्डी लगा के और तोड़ देते थे वो। एक बात और बताएं, जब चारों तरफ संदेश ये दिया जा रहा है कि पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको बढ़ाओ, ऐसे में ये पानी की बर्बादी नहीं है, परंपरा है जो शास्त्रों से बड़ी होती है और परंपरा अगर नहीं चलेगी तो बच्चों के संस्कार भी नहीं बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के पानी का ये खेल आपकी नजर में बहुत ठीक है, ये आप
आपसी प्यार और सौहार्द को बढ़ाने का प्रतीक है ये। शुक्रिया शिवराज जी, बात करते हैं व्यास प्रतिनिधि से, नाम बताएं अपना। अशोक व्यास। अशोक जी आपको कितने साल हो गए इस खेल? 40 साल। 40 साल से आपको भी? क्या आपके प्रतिद्वंदी शिवराज जी रहते हैं हमेशा? नहीं, काला महाराज रहते हैं। तो जब उनकी डोलची आपकी पीठ पर पड़ती है, आपकी डोलची उनकी पीठ पर पड़ती है, कैसा महसूस करते हो दोनों? पीठ में ज्यादा जोर से लगती है। एक जो खार होता है वो खार होता है कि आप इस बार जोर से? प्रेम से, बहुत ज्यादा तेज नहीं लगाते हैं। चलिए बताएं, व्यास जाति और हर जाति के बीच का ये खेल है, इस खेल में दोनों जातियों के लोग ही क्यों हिस्सा लेते हैं? पहले हमारे झगड़ा हुआ था पीछे, उसके बाद ये परंपरा का खेल गया, पानी का खेल गया। झगड़े को प्रेम में तब्दील करने की परंपरा के रूप में व्यासों के साथ में अन्य जातियां भी आती है। रंगा जात आती है हमारे सहयोगी, रंगा ब्रह्मी डग्गा ब्रह्मी के साथ में आती है। हमारी रंगा जात है, इनकी छंगाड़ी है, इनके साथ में बहुत सी जातियां आती है। गंगा है, बिस्सा है, कल्ला है, मुद्रा है, दम्मणी है, डागा है। जस्टिस जो आपके भैया जी थे, जो भैया जी माथुर जो है, उनका एक जो आपके गेवर वाले गीत होते हैं उनमें उनका नाम आता है, व्यासों के गेवर में आता है, क्योंकि वो व्यासों के गवाह थे और व्यास आज भी उनके घर के आगे नाच है। भैया जी जी हजार बरस, भैया जी जी करोड़ बरस। चलो ये परंपराओं का एक परंपरा आज भी। शुक्रिया। एक वो उनकी सामण भी गवाह थी, उसका भी वो नाम लेते हैं, हो सामण शांति ने हो सामण। चलिए कुल मिला के होली पूरे अपने परवान पर है, एकदम परवान पे होली। शुक्रिया शिवलाल जी। इतने स्नेह मिलन है, एकता का प्रतीक है, प्रेम भाव है। आज के दिन एक दूसरे को गाड़ी निकालते मजाक में, और व्यास और अशोक गाड़ी निकालते हैं और हमारे बढ़ा रहे। वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है जब देश में माहौल किस तरह का है? इसमें ऐसा प्रेम देखने को मिलता है कि सब बातें बातें सारे मतभेद भुला दिए जाते हैं, और इस चीज़ की बहुत जरूरी है, तो प्रेम के बिना कुछ है ही नहीं, और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इसको रखना चाहिए।